डॉक्टर को ईश्वर का दर्जा और हॉस्पिटल को मरीजों के लिए मंदिर क्यों कहा जाता है? यह तो आप और हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर यही भगवान मरीजों से केवल और केवल अपनी जेब भरने का मकसद रखते हैं, तो पीड़ित और उसका परिवार आखिर इलाज के लिए कहाँ जाए? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए आप इस वीडियो में। बता दें कि यह मामला जयपुर शहर के नामी माने जाने वाले रुंगटा अस्पताल का है, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक परिवार में 10 दिन पहले युवक का एक्सीडेंट हुआ था। परिजन ने युवक को गंभीर हालत में रुंगटा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक का ब्रेन डेड बताया और उपचार के लिए एक मोटी रकम जमा कराने के लिए भी कहा। परिजनों ने घायल को बचाने के लिए बिना समय गवाए पैसे जमा करवा दिए, लेकिन आज सुबह अचानक हॉस्पिटल स्टाफ ने घायल युवक का ब्रेन डेड बताकर रुपयों की और मांग की। डॉक्टर्स की मांग को सुनकर परिजनों के होश ही उड़ गए, लेकिन जब परिजनों ने डॉक्टर से घायल की स्थिति का बराबर जायजा लिया, तो डॉक्टर्स और स्टाफ ने मरीज का ब्रेन डेड बताया और हॉस्पिटल से ले जाने को कहा, साथ ही कुछ और रुपयों की भी मांग की। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि युवक का ब्रेन डेड तो भर्ती करवाने के दौरान ही बताया जा रहा था, लेकिन 10 दिन तक युवक को इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में रखकर कौन सा और किस प्रकार का अब तक इलाज दिया और किया जा रहा था? इस मामले में परिजन स्पष्ट रूप से एक डॉक्टर का नाम मीडिया के सामने उजागर कर रहे हैं। तो क्या पुलिस और प्रशासन इन नामों के आधार पर दोषी डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगी या सबूत और जांच के नाम पर मामले को रफा दफा करने का प्रयास करेंगे? बहरहाल युवक की मौत हो गई है और इस मामले पर परिजनों ने डॉक्टर्स और पूरे हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया है कि युवक के उपचार के नाम पर इस हॉस्पिटल ने परिवार से झूठ बोला है, साथ ही पैसों के लालच में परिवार को अंधेरे में रखा है। परिवार लगातार जवाब मांग रहा है, तो ये लालची लोग अब मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पूरी बात मीडिया को बताई, जिस पर मीडिया ने इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से बात करने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि इस डॉक्टर का नाम योगेश गुप्ता बताया जा रहा है। इस डॉक्टर से इस गंभीर मामले को जानने की और लगातार मिलने की कोशिश की जा रही है, पर हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स ने मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की इस प्रकार की धांधलियां आखिर कब तक चलती रहेंगी? क्या प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच को पूरी निष्पक्षता के साथ करेंगे या नहीं? क्या मृतक और उसके परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं? कामयाब नहीं थी तो हमें जवाब दे, हम दूसरे अब इस स्थिति में हम कहां ले जाए? अब ये तो मामला मतलब नाजुक हो गया। अब हम सब जो आपस में सुन रहे हैं तब आए हम। बच्चे का साला है वो जाके अंदर आया कि भाई क्या पोजीशन है, बोला सुबह योगेश जी बताएंगे। ठीक है साहब, योगेश जी कौन है? डॉक्टर योगेश, ब्रेन वाला। उसके बाद सुबह 8 बजे करीब, कितने बजे टाइम था तो मुझे पूरा, मतलब इतने बजे का टाइम था, योगेश जी आ गए। योगेश जी से आगे तुरंत हमको उसने बुलाया, तो हम दोनों गए। दोनों ने बोला ये है कि सांस भी है जो ये वेंटिलेटर ले रहा है, अपना आपसे सांस नहीं ले रहा है, जो दवाई है वो भी मतलब कम कर देंगे, मतलब लगा काम नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं कर रही, शरीर में जा ही नहीं रही है। उसके बाद में क्या ना जो वो करते हैं डायलिसिस करते हैं, जो भी 3 घंटे की होती है रात को, तो उन्होंने 1.5 घंटे किए, वो शरीर में मतलब उन्होंने ली नहीं है। उसके बाद में बोला, मैंने कहा कि सर इसको कहीं ले जाने की कोशिश करें या हम कहीं सहारा है? कुछ नहीं, बोला कहीं कोई सहारा नहीं। उसके बाद में हम ब्रेन डेड का आपको आज ही बताया उन्होंने 15 घंटे 14 घंटे। हाँ ये तो पता है, सही बताया, ये नहीं कोई सुधार है, कल से बोले सुधार है, कल 2 दिन से सुधार है, सुधारी की सुधार है, सुधार है, सुधार है, आज इतना 20 आदमी इकट्ठे हुए थे जैसे आज हुए थे। वहाँ पर क्या हुआ कि हमने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब ये गरीब आदमी है, मजदूर है, इसके पास अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, और अब ये 17 तारीख से आज देख लो 24 तारीख मामला है, जो थोड़े ही पैसे 1 लाख करीब नहीं छोड़े, नहीं तो बाकी 5-6 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। उस टाइम जब हमने इनसे पूछा कि साहब स्थिति बिगड़ रही है तो ऐसे करो, हमारा बच्चा अगर कामयाब नहीं है तो वापस दे दो। अब वो बच्चा है जिसकी कहा कि नहीं अभी तो 20% है, इन्होंने कहा 20% वो 17 तारीख को, और वो मनीष जी सर से भी हुआ बात, और योगी जी सर जो डॉक्टर है उनसे भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अभी 20% स्थिति अभी ऐसी है, आप 2 दिन में और देखिए। हमने 2 दिन की और इंतजार की, पेमेंट जो मांगते बाहर तक मांगने आ जाती है, डेली पेमेंट जमा हो रहा है, डेली पेमेंट कहीं इधर दूर से रिश्तेदार वगैरह से मंगा मंगू कर, घर भी ये समझो कि इन्होंने लीलाम कर दिया है। स्थिति सिटीजन्स वॉइस न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी संघ चित्तौड़गढ़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से समस्त जिले एवं ग्राहकों को रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना अंतर्गत बोजुंदा स्थित एक ढाबे पर इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले डीजल पेट्रोल के टैंकरों से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी कर कालाबाजारी करने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हजारों लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चोरी के मामले में पुलिस उपाध्यक्ष कमल प्रसाद मीणा के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। जानकारी में सामने आया कि पुलिस को विगत कई दिनों से जालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल डिपो से पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर निकलने वाले टैंकरों से डीजल व पेट्रोल निकाले जाने की सूचना मिल रही थी। इस पर आज पुलिस उपाध्यक्ष कमल प्रसाद मीणा ने पूर्ण रूप से पुलिस जाब्ते के साथ धावा बोलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली थी कि राजस्थानी ढाबा हाईवे पे जो अपने पेट्रोल डिपो है उससे टैंकर निकल रहे हैं, उनसे मिली भगत कर और डीजल और पेट्रोल खरीद के बेचने का काम करता है ये लोग और चोरी छुपे उनसे निकालता है उनकी सहमति से। तो इस पे वहाँ जाके चेक किया, चेक करने पे पाया कि एक टैंकर नंबर RJ27GA7101 मौके पे खड़ा था और उसमें से ये पेट्रोल निकाल रहे थे। पास में एक पिकअप खड़ी थी, उसमें दो ड्रम डीजल के एक ड्रम में पेट्रोल भरा हुआ था। तो इनको मौके से जब्त किया है। होटल जो राजस्थानी ढाबा था ये शांतिलाल गुजर का है, इसने किराए पे एक प्रभुलाल जाट को 11 महीने के लिए किराए पे दे रखा है। तो प्रभुलाल को और उसका जो नौकर है जिसके पिकअप चलाता है कन्हैया लाल तेली, इनको दोनों को मौके से गिरफ्तार किया है। टैंकर और पिकअप तथा उनमें भरा डीजल को जब्त किया है। कुल कितना लीटर डीजल पेट्रोल है? करीब 20,000 डीजल और पेट्रोल टैंकर में है और करीब करीब 450 लीटर डीजल पेट्रोल पिकअप में मिला भरा। राजस्थान के झालरापाटन कृषि उपज मंडी में इन दिनों फसलों की बंपर आवक हो रही है। जी हां, इस आवक में सोयाबीन की फसल काफी जबरदस्त बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उड़द मक्का को भी बेचने के लिए किसान मंडी में ले आया है, लेकिन इन फसलों को मंडी में बेचने के लिए लेकर आना किसानों की मजबूरी हो रही है, क्योंकि दीपावली के त्यौहार पर किसान इन फसलों को बेचने को मजबूर है और इस मजबूरी में किसान को इन फसलों का उचित भाव तक नहीं मिल पा रहा है। पर फसलों के खराब होने के डर से ही किसान इन फसलों को कम दामों में ही व्यापारियों को बेच रहा है और आवक इतनी ज्यादा हुई है कि किसान को मंडी में 2 से 3 दिन तक का इंतजार भी करना पड़ रहा है। सिटीजंस वॉइस न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ दुग्ध डेयरी संघ चित्तौड़गढ़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से समस्त जिले एवं ग्राहकों को रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नजारा आप देख रहे हैं झालरापाटन कृषि उपज मंडी का है। यहां फसलों का अंबार लगा है, मंडी में फसल को रखने तक की भी जगह नहीं है। जिस भी जगह देखो उधर बंपर आवक के कारण फसलों के ढेर लगे हैं। किसान फसलों को जगह जगह खाली करने को मजबूर है और कृषि उपज मंडी में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। झालरापाटन कृषि उपज मंडी बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। यहाँ जिले के कई गाँवों से लोग अपनी फसलों को लेकर आते हैं और बेच कर जाते हैं। रोजाना कृषि उपज मंडी में 5 से 6 हजार क्विंटल की आवक हो रही है, लेकिन इस बार इस सीजन में बंपर आवक हुई है तो किसान अपनी फसल को जल्द से जल्द बेचकर जाना चाहता है। यहाँ सोयाबीन 2700 से 3500 क्विंटल के भाव से बिक रही है, जो काफी कम भाव है, लेकिन किसान करे तो क्या करे, मजबूरी में यहाँ फसल बेचने को मजबूर है। अब किसान को भी जो भी दाम मिल जाए उसी कीमत पर फसल बेचने को मजबूर है, ताकि दीपावली के त्योहार की कुछ खुशियां अपने परिवार को भी दे सके। सर एक बार नाम बताएं आप। अनिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बम्पर आवक हो रही है सोयाबीन की? ऐसा तो नहीं है, मगर दिवाली के प्रेशर की वजह से बम्पर है, बाकी तो कितनी लगभग कितना आंकड़ा कमी पैदा हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ है, काश्तकार तो मरी गया है।
कितने भीड़ लगभग कितनी बोरी? एक बोरी दो बोरी कई कई जगह तीन बोरी बाकी बहुत नहीं। कृषि पंच मंडी में देखा पूरा भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, उसके कई सारे कारण है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, प्लांट नहीं हो रही है, दूसरी बात है कि फेस्टिवल सीजन है तो लोग छोटे छोटे काश्तकार लेके आ रहे हैं, पैसा चाहिए, वही आवक का प्रेशर, तो वही आवक का प्रेशर है जो छोटे छोटे काश्तकार। क्या रेट चल रही है सोयाबीन की? अभी सोयाबीन 3600 से 3650 रुपए। जयपुर के सीस्की में हुआ सड़क हादसा, यह हादसा एक स्कूटी और कार चालक के मध्य घटित हुआ। बता दें कि यह घटना बीजेपी कार्यालय के पास चौराहे पर घटित हुई, जिसमें स्कूटी सवार स्विफ्ट डिजायर कार की चपेट में आ गया। स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं, बहरहाल आमजन ने घायल को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहाँ चिकित्सकों द्वारा घायल का उपचार जारी है। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिटीजन वॉइस के साथ। नमस्कार।